हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन आएगा तो किस इंटेंशन से आएगा, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स वो क्या फील करने वाले हैं। चलो लेट्स सी। नेक्स्ट 48 आवर्स ग्रेस, होल्डिंग टुगेदर। देखिए, ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है जो नो कॉन्टैक्ट में है या जो सेपरेशन में है, ये सबके लिए रीडिंग है जो इस वीडियो तक आए हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हो, आपको लगा ये वीडियो देखनी चाहिए, तो ये सबके लिए है, इट इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये माइंडसेट में रखकर चलिए कि ये रीडिंग सबके लिए, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए या ब्रेकअप में जो है उनके लिए नहीं है। ठीक है, इट इज़ फॉर एवरीवन। बिटिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज। ओके, सो सबसे पहले तो नेक्स्ट 48 आवर्स की अगर हम एनर्जी देखें आपके पार्टनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, इनके एक्शंस या जो भी ये सोचेंगे, जो भी ये करेंगे, उसके अंदर ना आपको बहुत ही एक काइंडनेस, एक हम्बलनेस फील होगा। ठीक है, आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि ये पर्सन मेरे साथ बहुत ही हम्बली बिहेव कर रहा है, मेरे साथ बहुत ही प्यार से बिहेव कर रहा है। बहुत सोच समझ के उनके सारे एक्शंस आपकी तरफ आने वाले हैं। चाहे मतलब वो बेसिकली आप दोनों के बीच में जो दरार पड़ गई है, रिश्ता ख़राब हो गया है, जो एक टावो मोमेंट आप दोनों के बीच में आया, उनके बिहेवियर के वजह से हो सकता है। मे बी उन्होंने बहुत ही रूड बिहेव किया, बहुत ही कोल्ड बिहेव किया, जिसकी वजह से ये टावो मोमेंट आया। ठीक है, एंड अब वो इस रिश्ते को बेटर बनाना चाहते हैं, और उनको एक चीज़ पता चल चुकी है कि इस रिश्ते को बचाने की या इस रिश्ते को संभालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा सामने वाले इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करना, चाहे फिर वो बात करना हो या उनके जेस्चर हो, आपसे रिस्पॉन्ड करना हो। बहुत सोच समझ के पर्सन रिएक्ट भी करेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता बिल्ड हो, जो बात बिगड़ी है वो सुधरे, चीज़ें संभले आप दोनों के बीच में। तो आप उनके अंदर का ये एफर्ट्स देखोगे कि वो कॉन्शियसली आपसे डील कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कुछ तो कॉन्शियसली बोलेंगे, और सोच में भी इनके मुझे यही दिख रहा है कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, और सबसे पहले मुझे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए अगर कोई फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा तो वो होगा कि मुझे बहुत कॉन्शियस रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। दैट इज़ वॉट आई सी इन योर पर्सनस एनर्जी। देखिए, पर्सन ना टूटते हुए रिश्ते को, बिखरते हुए रिश्ते को संभालना चाहते हैं। ओके, उनकी माइंडसेट तो यही रहेगी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स के जो बिगड़ा है उसको संभाला जाए। देखो, बिगड़ने के पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, किसी के लिए ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने उनका इंटरेस्ट कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन का कहीं और इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, या कुछ इशूज़ आ गए, फैमिली इशूज़, करियर इशूज़, तो अब वो रिश्ते को संभालना चाहते हैं, बिखरने से बचाना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि देखो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको आपकी बेसिकली वैल्यू समझ आ चुकी है कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनके लाइफ में,
आपके जैसा इंसान उन्हें कभी नहीं मिलेगा. अगर वो ढूंढ कर भी, उनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिल सकता. दे नो दैट, दे हैव एक्सेप्टेड दैट. ठीक है. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब तक क्या कर रहे थे, अब तक ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे. नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, मुझे नहीं काम करना, क्योंकि तब उनको आपकी वैल्यू पता नहीं था. या कह लो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में कम हो चुकी थी. लेकिन नाउ नेक्स्ट 48 आवर्स की इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि मुझे इसको पाना है, क्योंकि इनको आप बहुत वैल्यूएबल दिखोगे उनके नज़रिए से. अगर आप नेक्स्ट 48 आवर्स अपने आप को देखोगे, आप उनके नज़रों में बहुत वैल्यूएबल हो जाओगे. और जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में वैल्यूएबल हो जाती है ना हमारे नज़रों में, हमें उसे पाना होता है किसी भी हाल में. सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, देखो ब्लॉक मतलब सोशल मीडिया का ही ब्लॉक नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये अगर आपको एनर्जेटिकली ब्लॉक कर रहे थे कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बात करना, मुझे नहीं सुनना, वो बंद होने वाला है. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मतलब इनके हर छोटे छोटे जेस्टर से आपको फील हो जाएगा कि ये इंसान मुझे रखना चाहता है फॉरएवर. ठीक है, ये मुझे अपनी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहता है. ठीक है. सो या ये पर्सन अगले 48 आवर्स में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं आपके रिगार्डिंग, इस रिश्ते के रिगार्डिंग. और उस पर सिर्फ डिसीजन ही नहीं लेंगे, उसके ऊपर एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये स्टक नहीं रहना चाहते. अब इनको इस रिश्ते को एक आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को इम्प्रूव करना है. अब उनको दे वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे इस रिश्ते में फिर से वही प्यार, वही अपनापन, वही ट्रस्ट दोनों के साइड से वो रिस्टोर करना चाहते हैं. बेसिकली उनका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे इस रिश्ते में बैलेंस लाना है, मुझे हम दोनों में जो बिगड़ा है उसको संभालना है, उसको ठीक करना है. ओके. क्योंकि इस पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा, बहुत ही जैसे लगेगा उनको कि अगर ये लव लाइफ मेरी ठीक नहीं हुई तो चीज़ें अटक जाएगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी, चीज़ें थिंग्स विल फील स्टक एंड दे डोंट वॉन्ट इट. वो नहीं चाहते कि चीज़ें स्टक रहे. सो आप उनके तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस देखोगे, कुछ ऐसे डिसीजंस ये पर्सन लेंगे, और बहुत ही ये डिसीजंस या ये एक्शंस बहुत ही फेयर होंगे. ना तो वो अपने साथ कुछ बुरा करना चाहते, ना तो आपके साथ. ओके. दे वॉन्ट टू ब्रिंग जस्टिस टू द टेबल. सो आप देखोगे कि ये पर्सन छोटे छोटे भी एक्शन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, और एक बहुत ही उनके अंदर आप डिवोशन देखोगे. आपके लिए आप एक डिवोशन देखोगे उनके अंदर, जैसे हमारे लिए अंदर भगवान के लिए जैसे प्यार होता है, समर्पण होता है ना, वो समर्पण आप इनके एक्शंस में या इनके एनर्जी में फील करोगे. ठीक है. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर फॉर सम रीज़न आपको पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है. अब रीज़न उसके पीछे हो सकता है कि आप उनके साथ अब नहीं रहना चाहते हो, या आप उनको सबक सिखाना चाहते हो, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, या आप उनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो या आप उनको एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, फ्रेंड जोन कर रहे हो कि नहीं इससे दूर रहो. ये है हमारा रिश्ता, इतनी चीज़ें हमारे बीच अलाउड है और इतनी चीज़ें नहीं हैं. तो वो फील करेंगे कि कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या कहीं आपने अपना मन तो नहीं बदल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि अब आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते हो, अब आप उनकी एनर्जी नहीं चाहते हो. सो ये चीज़ उनके अंदर उनको खाई जाएगी बहुत ज़्यादा, कि आप क्यों बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, या क्यों आप पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो उनके साथ. ये चीज़ उनके अंदर एक डर पैदा करेगी, और ये डर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा वीक बना सकती है. ठीक है. मेंटली कि सामने वाला ना मेरे लिए कोई भी एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहा है, उसके अंदर मुझे खुद के लिए कोई भी चीज़ फील क्यों नहीं हो रही है. ओके. सो या दैट इज़ गोइंग टू हैपन, जहाँ पे पर्सन वो चीज़ फील करेंगे बहुत ही स्ट्रांगली. ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना वो एक वक्त आ रहा है जहाँ पे अबंडेंस जैसे बहुत कुछ मिलेगा इस रिलेशनशिप में. जो खोया है आप दोनों ने वो तो मिलेगा ही, लेकिन उससे बढ़कर कुछ चीज़ें मिलने वाली है. कुछ चीज़ें आप दोनों को ही, जैसे होता है ना कि हमें कोई चीज़ें हासिल हो रही है रिलेशनशिप में,
ओके, तो मुझे यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसा वक्त आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे एक एक्सपांशन, ओके, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, एक जगह पे जाके चीज़ें रुक गई थी, आपका रिश्ता जैसे दब चुका था, लाइक एक जैसे होता ना कि चार दीवारों के बीच में फंस चुका है, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो एक एक्सपांशन देखोगे, एक इम्प्रूवमेंट देखोगे, चीज़ें आगे बढ़ रही है, यू नो, तो यूनिवर्स ऐसा मौका देने वाली है आपके पर्सन को और आपको भी और इस रिश्ते को भी कि फ्लरिश करें, एक्सपांड हो, चीज़ें इम्प्रूव हो, ठीक है, और जो खोया है उससे आप दोनों कुछ ज़्यादा ही पाओगे, ओके, सो वाओ, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स और क्या फील करेंगे. डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स, बताइए डिवाइन, क्लियर, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए. ओके, सो कार्ड्स यहाँ पे जो निकल के आए हैं, वी आर द वर्ल्ड, मैच्योरिटी, मोरालिटी, क्रिएटिविटी. ओके, वी आर द वर्ल्ड के बारे में और बताइए डिवाइन, क्यों है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड. ओके, सी आई फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपके पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए थे या खुद बात करनी बंद कर दी है या साथ होकर भी अगर आप दोनों में एक डिस्टेंस है, दूरियाँ है, या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, तो जिस तरह की भी दूरियाँ आप दोनों में आई है ना, मुझे वो दूरियाँ कम होती हुई दिख रही है. ठीक है, वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, यू नो, वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल. कभी ना कभी कोई पर्सन जिससे हम दूर भागते हैं वो इंसान कभी ना कभी हमारे सामने आ ही जाता है. समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन, जहाँ पे आपके पर्सन फील करेंगे कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें आपकी एनर्जी फील करनी है, उन्हें आपकी ऑरा में आना है, उन्हें आपका दोस्त, यू नो, बनना है, या फिर दोस्त मतलब वो आप बेसिकली आपसे करीबी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं. ओके, क्योंकि दैट इज़ वॉट देयर इंटेंशन इज़, कि मुझे ये रिश्ता चाहिए और मुझे ये नज़दीकियाँ चाहिए. ओके, आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे, मुझे और दूर नहीं भागना है, मुझे इस रिश्ते से दूर नहीं भागना है या आपसे दूर नहीं उनको भागना है. सो बहुत लोगों के यहाँ पे रियूनियन भी होते हुए दिख रहे हैं, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, यू नो, बहुत रोमांटिक नहीं, मे बी. देखो, अगर कोई इंसान आपसे चला गया था दूर या वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था एकदम से, तो यू नो, आपके पास आना और एकदम से प्यार शो करना, रोमांटिक फीलिंग शो करना, यू नो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कभी कभी वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सामने वाले इंसान के लिए. तो मे बी ये पर्सन शुरुआत करेंगे दोस्ती से, एक फ्रेंडली अप्रोच रहेगा. व्हाट इज़ दिस मैच्योरिटी ऑल अबाउट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी मुझे इनकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर लग रही है. मे बी ये काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, कि उन्हें इस रिश्ते में क्या चाहिए, या अब तक वो जो करते आए हैं वो क्यों करते आए हैं, उन्हें क्या बदलना की ज़रूरत है अपने अंदर, या इस रिश्ते में उन्हें क्या बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो सम बेसिकली ये पर्सन बहुत ही बड़ा कोई डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, और बहुत सोच समझ कर किया गया फैसला होगा, और बड़ी मैच्योरिटी के साथ, बड़ी प्रैक्टिकली ये किया हुआ फैसला होगा, जो आपके ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएगा और उनके ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएगा. ठीक है, मोरालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए. एंजल्स ब्लेस करिए हमें आपकी गाइडेंस से और क्लियर मैसेजेस दीजिए. मोरालिटी क्यों है? यस, मुझे ऐसा लगता है अब तक ये पर्सन मे बी कई बार आपसे दूर गए होंगे या दूर हुए होंगे और फिर वापस आए होंगे, लेकिन उनका आपके ज़िंदगी में वापस आने का तरीका हमेशा से ही बहुत ही अब्रप्ट रहा है. हो सकता है ये अचानक से आ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर लड़ने झगड़ने लगना, या फिर अजीब तरीके से बिहेव करने लगना, आपके ऊपर ब्लेम डाल देना कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. तो
अब आप चेंज देखोगे इनके बिहेवियर में फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं, दे विल ब्रिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी. ये जो करेंगे जस्टिस यू नो देगा, वो आपके लिए भी वो फेयर होगा, उनके लिए भी वो फेयर होगा, और बहुत ही सोचा समझा डिसीजन होगा, बहुत ही सोची. मतलब ये पर्सन अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ आते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो बहुत ही बैलेंस्ड होगा. और यू नो समथिंग जो हमेशा से होना चाहिए था, जैसे इनका बिहेवियर हमेशा से ही होना चाहिए था. क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए. क्रिएटिविटी क्यों है? ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका दिल जीतने के लिए या आपके अंदर अपने लिए ट्रस्ट जगाने के लिए दे माइट ट्राई समथिंग यू नो आउट ऑफ, मतलब वो जैसे है नहीं, उनका नेचर जैसा नहीं है, या वो जो चीज़ें अब तक कभी नहीं किया उन्होंने आपके लिए, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं. उनके जेस्चर्स या कुछ आपके लिए कुछ गिफ्ट देना या कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपको भी लगेगा कि यार अच्छा ये इंसान ऐसा भी है, ये ऐसा भी कर सकता है मेरे लिए. सो आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ कैरेक्टर जाके ये पर्सन कुछ कर सकते हैं जो आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन वो उनका तरीका होगा टू शो देयर लव टूवर्ड्स यू, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. ओके, और देखते हैं डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि ये पर्सन डीप लेवल पे और क्या फील करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, और क्या फील करेंगे. पॉजिटिव चेंजेस, गुड न्यूज़, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, इट्स ओवर, नो चेंज, रॉन्ग डिसीजन, और स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स. ओके, हम क्लैरिफाई करते हैं पॉजिटिव चेंजेस गुड न्यूज़ को, प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन. पॉजिटिव चेंजेस गुड न्यूज़ को क्लैरिफाई करें. ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से दे वर गोइंग थ्रू हीलिंग, अगर उनके अंदर हीलिंग चल रही थी, अगर वो टाइम ले रहे थे टू हील देमसेल्व्स, टू फील बेटर, ठीक है, तो वो एक नटशेल में चले गए थे. उनके अंदर ना पैशन बचा था, ना ना वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है ना कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मुझे ये इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में. तो वो ड्राइविंग फोर्स अगर इनके अंदर नहीं था, तो मुझे वो ड्राइविंग फोर्स नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रहा है. वो पैशन दिख रहा है, वो क्यूरियोसिटी आपको लेकर दिख रही है, ठीक है, कि नहीं मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, यू नो मुझे, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ. सो एक फ्रेश बिगनिंग करने की जो आइडिया इनके अंदर मुझे आती हुई दिख रही है, वो बिकॉज इनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, दे हैव गॉन थ्रू हीलिंग, इसीलिए वो इस फ्रेश एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ेंगे कि यार मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, सॉरी ये बॉटम ऑफ द डेक है, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, मुझे अब इस शेल में नहीं रहना है, मुझे अकेले नहीं रहना है, आई वॉन्ट यू, ठीक है. फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन. नाइन ऑफ पेंटिकल्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ वॉन्ड्स है. येस, देखिए मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन का माइंडसेट जो है बहुत फिकल्ड माइंडसेट है. कभी वो बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, चाहे वो उनकी जनरल लाइफ हो, लव लाइफ हो, ठीक है, और कभी कभी बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं. इनका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है, ठीक है. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है, बट ये आपको लेकर नहीं होगा, ये ज़्यादातर मुझे इनकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट को लेकर दिख रहा है, मे बी करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर. लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू यू ऑल्सो, कभी कभी इनको लगेगा कि यार मुझे उसको सॉरी बोल देना चाहिए, मैंने गलती कर दी, यू नो पछतावा फील होगा, मे बी पर्सन रोएंगे भी, यू नो अपनी गलतियाँ सोच कर, या आपके साथ जो भी गलत किया उसको सोच कर, दे माइट फील रिग्रेट, दे माइट फील सॉरी. बट एट द सेम टाइम कभी उनको ऐसा फील होगा कि यार नहीं, मेरे लाइफ में यू नो वाई एम आई बींग डिप्रेस्ड, मैं क्यों सैड हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, ये है वो है. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन, ठीक है. सो एक मूड स्विंग भी दिख रहा है मुझे, इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन. फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना काफ़ी टाइम से अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठे थे. दे वर क्लोज्ड टू देयर हार्ट, दे वर क्लोज्ड टू देयर इमोशंस.
तो इसी वजह से वो पैशन नहीं फील कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनका फोकस बाकी चीज़ों में था, मे बी अपने करियर में या सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके तरफ का, इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाएगा, इनका दिल इनको बार बार आपकी तरफ खींचेगा, ये बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर होंगे, या आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, या फिर मतलब इट्स लाइक देयर हार्ट is going to bring them towards you, बार बार खींच के लाएगा आपके तरफ, ओके। एंड ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में दे आर गोइंग टू फील एज इफ नहीं यार, यू नो दिस इज़ नॉट वर्किंग, यू नो मैं ऐसे क्लोज्ड ऑफ नहीं हो सकता टूवर्ड्स माई पर्सन, टूवर्ड्स देयर फीलिंग्स, ओके। मुझे ओपन अप करना पड़ेगा, मुझे सामने वाले से कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा, मुझे यू नो क्यूरियोसिटी अपनी शो करनी पड़ेगी, दैट इज़ वॉट्स गोइंग ऑन, ठीक है। रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे लीप इन द डार्क, ये कार्ड क्यों आए हैं मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन या तो इनको कोई गलत आदतें लग गई है, या तो इनका दिमाग नेक्स्ट 48 आवर्स में उस तरफ जा सकता है, यू नो मे बी। देखो इंसान जब ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाए ना, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े है उस तरह के, उनका दिल उनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा होता है, तो उनका दिमाग उनको पैसों की तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है, तो ये पर्सन मे बी, देखो इंसान जब पैसा 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 करने लगता है ना, तो उसके दिमाग में पैसे कमाने के लिए बुरी क्या क्या बुरी चीज़ें हम कर सकते हैं, शॉर्टकट इक्वल्स टू बुरी चीज़ें, राइट। तो क्या मैं शॉर्टकट करूँ, मैं ये करूँ, मैं शेयर मार्केट में करूँ, या मैं यू नो, देखिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, मे बी वो कुछ और उनके दिमाग में खुराफाती आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ है जो इनको इन सब चीज़ों से दूर कर सकती है, वो है आपका प्यार, ओके। सो मैंने आपको बोला ना, इनका दिल और दिमाग का कहीं ना कहीं एक जंग छेड़ने वाली है, और जहाँ इनका दिमाग इनको गलत रास्ते पे ले जाएगा, उनका दिल उनको ट्रैक पे ले आएगा, ओके। सो या स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को ना ये बहुत ज़्यादा कल ना सोचेंगे अपनी लाइफ के बारे में ही ओवरऑल, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जो हैबिट्स है या इनके जो सोचने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके रिश्ते को। मे बी ये जब बुरी आदतों में फंसे होते हैं ना, ये आपके साथ बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो ये कल बहुत सोचेंगे कि यार मुझे ना गिव अप कर देनी चाहिए सारी बुरी आदतें, क्योंकि मेरा पैसा भी जाता है, मैंने बोला ना मनी माइंडेड है, मेरा पैसा भी वेस्ट होता है, और सामने वाले को मैं हर्ट भी कर देता हूँ। सो ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि मे बी दे आर सो अडिक्टेड टू समथिंग, या तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कोई बुरी आदतें इनको हो सकती है, लेकिन इनको ये रियलाइज़ होगा कि जब मैं इन बुरी आदतों में होता हूँ, तो मैं इस इंसान को बहुत दुख देता हूँ, मैं इसको बहुत परेशान करता हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है। सो दे माइट स्टॉप डूइंग सम बैड हैबिट्स, से ये छुटकारा पा सकते हैं या उस बारे में सोच सकते हैं बहुत सीरियसली, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग अगर पसंद आ रही है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।